अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं लाई हूँ इन दो शैम्पू का रिव्यू। सबसे पहले है हमारे पास लॉरियल एलवाइव का वायरल शैम्पू जो आजकल बहुत इन चल रहा है, पर हमारे पास है जॉनसन्स का पिंक शैम्पू। तो आज मैं करने वाली हूँ ऑनेस्ट रिव्यू इन दोनों का। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट। इन दोनों शैम्पू को वन मंथ यूज करने के बाद आपको रिव्यू दे रही हूँ इनका। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जॉनसन्स का पिंक शैम्पू। इस पे देख लेते हैं लिखा हुआ क्या है। इसके ऊपर लिखा हुआ है जॉनसन्स शाइनी ड्रॉप्स किड्स शैम्पू। तो जैसे कि इस पे लिखा हुआ है शाइनी ड्रॉप्स, तो बिल्कुल इसके अंदर जो इसका लिक्विड है वो कुछ शाइनी सा है। 500 ml की बोतल है जैसे कि इस पे लिखा हुआ है, और ये आपको 1100 तक की पड़ जाएगी। ये थोड़ी बड़ी बोतल है, इससे स्मॉल साइज भी मिल जाएगी आपको। मैंने इम्तियाज से बाय किया है, अगर आप चाहें तो आप भी जाके इम्तियाज से ले सकते हैं। शैम्पू की अच्छी बात ये है कि इसमें कोई भी हार्श केमिकल्स वगैरह नहीं है, सल्फेट्स वगैरह भी नहीं है, फ्री है, सल्फेट्स फ्री, जैसे कि इस पे लिखा हुआ भी है फ्री फ्रॉम डाइज अल्कोहल एंड पैराबिन्स। तो इसकी अच्छी बात यही है कि इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, खास तौर पे किड्स के लिए तैयार किया गया है, तो इसमें ऐसे केमिकल्स हो भी नहीं सकते। तो ये शैम्पू काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, अगर आपकी स्किन बालों की जो है जड़ें हैं काफ़ी सेंसिटिव हैं, तो आप इस तरह के शैम्पू यूज़ करें ऑर्गेनिक, जो आपके बालों को हेल्दी रखते हैं। शैम्पू की अच्छी बात ये भी है कि इसके अंदर आर्गन ऑयल है। आर्गन ऑयल आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जो आपके बालों को स्मूथ टेक्सचर देता है। और इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद मेरे बाल काफ़ी सॉफ्ट और शाइनिंग हो गए थे। मेरी तरफ से आपके लिए ये रिकमेंडेड है, ये जॉनसन्स का पिंक शैम्पू। और अब नेक्स्ट शैम्पू की बात कर लेते हैं, लॉरियल का एलवाइव वायरल हाइलुरोनिक शैम्पू। ये शैम्पू बड़ा वायरल चल रहा था, तो मैंने सोचा इसका भी रिव्यू साथ साथ कर देती हूँ आपको, रिजल्ट आपके साथ शेयर करती हूँ और इसका ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ आपको। लेट्स गो। तो बात करते हैं इस शैम्पू की पैकेजिंग की। ओवरऑल बोतल काफ़ी अट्रैक्टिव थी, इसकी पैकेजिंग अच्छी लगी। इसके ऊपर देखते हैं लिखा हुआ क्या है। इसके ऊपर लिखा हुआ 72 hours मॉइस्चर फिलिंग शैम्पू हाइलुरोनिक एसिड। इसका मतलब ये है एक हाइलुरोनिक शैम्पू एसिड की वजह से ये आपके बालों को रखता है हाइड्रेटेड। और आपको इसकी अच्छी बात ये भी है कि आपको कंडीशनर तो यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा अगर आप ये शैम्पू ले लें तो। ये है 2-in-1, मतलब इसके अंदर कंडीशनर का भी काम कर लेता है ये शैम्पू। बाकी इसकी यूज़ हाउ टू यूज़ ये तरीका भी लिखा हुआ है यहाँ पीछे। इंग्रेडिएंट्स में देख लें तो इंग्रेडिएंट्स में भी सब कुछ मौजूद है पीछे लिखा हुआ है। 75 ml की बोतल है ये, आपको 520 का पड़ जाएगा। ये मैंने छोटी बोतल ली थी ट्रायल के लिए जस्ट, तो इसके रिज़ल्ट मुझे बड़े ही औसम लगे। इससे मेरे बाल काफ़ी हाइड्रेटेड हो गए थे, जैसे कि कंडीशनर करना पड़ता है बालों को, करने के बाद आपके बाल नरिश और हाइड्रेटेड हो जाते हैं विदाउट कंडीशनर के। बात की जाए प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है 520 का, तो आराम से आपको मिल जाएगा। इतना अच्छा शैम्पू 520 में आपको मिल जाना चाहिए आपको। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कंडीशनर भी है। आप इन दोनों की बात कर ली जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह काफ़ी बेस्ट हैं। तो इस शैम्पू का ये मैंने हाफ़ यूज़ कर लिया है, तो मैंने कहा आप देख सकते हैं आपको नज़र आ रहा होगा ये हाफ़ यूज़ कर चुकी हूँ मैं। और इसका जो टेक्सचर है कुछ इस तरह से, ये अंदर से वाइट कलर का है जिसके इस पर लिखा हुआ है शाइनी ड्रॉप्स, तो ये वाकई शाइनी ड्रॉप्स हैं। लॉरियल की बात की जाए तो ये तो मैं समझी थी अंदर से पर्पल कलर का होगा, लेकिन नहीं, ये तो वाइट कलर का था अंदर से शैम्पू, और ये भी कुछ इसी की तरह ही था वाइट कलर का शाइनी शाइनी सा। शैम्पू का रिजल्ट अपनी अपनी जगह बेस्ट है, और ये दोनों शैम्पू मेरे बेस्ट हैं, तो आप भी यूज़ करें एक दफ़ा और ट्राई करें तो बताएं मुझे इसका रिज़ल्ट कैसा है। और अगर आप मेरी इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।